भारत में धूमधाम से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व में माँ दुर्गा की पूजा होती है और इसीलिए इसे दुर्गोत्सव या दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा की तैयारियों का काम कई महीने पहले से ही शुरू हो जाता है और माँ दुर्गा की भव्य मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मूर्ति के निर्माण के लिए वैश्याओं के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: गंगा की मिट्टी, गोमूत्र, गाय का गोबर और वैश्याले की मिट्टी। मूर्तियाँ बनाने में इन सामग्रियों का उपयोग करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन वैश्याओं के आंगन की मिट्टी का उपयोग मूर्तियाँ बनाने में क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। कहानियों और परंपराओं के अनुसार एक बार कुछ वैश्याएं गंगा नदी में स्नान के लिए जा रही थीं। तभी उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को घाट किनारे बैठे हुए देखा। वह रोगी लोगों से गंगा स्नान करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन कोई भी उसकी गुहार नहीं सुन रहा था। इसके बाद वैश्याओं ने उस रोगी को गंगा में स्नान करवाया। वह कुष्ठ रोगी और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव थे। शिव जी वैश्याओं से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब वैश्याओं ने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी के बिना दुर्गा प्रतिमा ना बन पाए। शिव जी ने वैश्याओं को यही वरदान दिया और तब से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। एक और प्राचीन विश्वास है कि वैश्याले के आंगन से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाते समय पुजारी अथवा मंदिर के भक्त वैश्याले के बाहर जाकर उनके आंगन की मिट्टी की मांग करते थे और इसके बाद मंदिर के लिए एक विशेष मूर्ति बनाते थे। यह परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई और दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की मूर्तियों में इसी मिट्टी का उपयोग होने लगा। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार व्यक्ति जब वैश्याले जाता है तो वह अपने पुण्य कर्मों और पवित्रता को वैश्याले के बाहर छोड़कर अंदर जाता है, इसलिए वैश्याले के आंगन की मिट्टी को पवित्र माना जाता है और इसी कारण माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वैश्याओं के आंगन की मिट्टी का उपयोग किया जाता है।